हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है एचपी का, एचपी 15। ये होता है एसी मॉडल, एचपी 15 एसी मॉडल। कहाँ लिखा रहता है मॉडल? यहाँ पे आपको बैक बॉटम में यहाँ पे ये मॉडल लिखा होता है एचपी 15 एसी 14 कुछ करके मॉडल है ये, एचपी 15 एसी हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही आप देखोगे इसका, ये आप देखोगे पूरा हिंज टूटा हुआ है प्लस बॉडी टूटी हुई है। और ये कस्टमर ने क्या किया, इसको बॉडी टूटे हुए में यूज कर लिया तो इसकी स्क्रीन भी ब्रेक हो गई है। तो हम आपको सलाह देते हैं कि यदि आपके हिंज में आप कोई भी मूवमेंट महसूस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा ढीला चल रहा है या थोड़ा फ्री होके चल रहा है या थोड़ा कोई झटका लग गया है, तो आप उसको हिंज को ठीक करा ले। हिंज नहीं ठीक कराने पर क्या होता है, ये आपकी स्क्रीन को भी तोड़ देता है। तो हम इस सलाह को आपको हर बार देते हैं। आप यदि हमारे यूजर हैं तो इस दिन के इसका इस चीज का ध्यान रखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे सविनय निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे। इसके पहले सबसे पहले इसको खोल के इसकी बॉडी रिपेयर करेंगे। बॉडी रिपेयर करने के बाद इसकी स्क्रीन चेंज करते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम कैसे चेंज करें। सबसे पहले क्या करते हैं, बैटरी हटाते हैं। इसको खोल के हम इसका, ये आप देखोगे इसका हिंज टूटा हुआ है, इसकी बॉडी टूटी हुई है, तो इसी को रिपेयर करेंगे। हम आज आपको दिखाते हैं कि इसको हम कैसे रिपेयर करते हैं। देखो पूरा ही हमारा पूरा बेस खराब हो रखा है। ये बेस पे ये नक्के होते हैं इस तरीके के, तो वे नक्के हमें इसको दोबारा बनाने पड़ेंगे। ये हम इसके नक्के लगाते हैं, जो नक्के होते हैं जहाँ पे हमारे स्क्रू टाइट होते हैं, उसको बड़ी सावधानी से टेढ़ा मेढ़ा इनका अलाइनमेंट भी देखना होता है। टेढ़ा वगैरह लग जाएगा तो ये फिट नहीं होगा, इसमें हमारा स्क्रू टाइट नहीं होगा। इसको हम एल्फी वगैरह से भी चिपका सकते हैं, एक इसका केमिकल आता है उससे भी हम इनको चिपकाते हैं। इसकी बॉडी रिपेयर कर दिया, जो हिंज टूटे हुए थे आपने वीडियो के शुरू में देखा, तो हमने इसको चेंज कर दिया है। और ये आप देखोगे टूटी हुई स्क्रीन आपको दिख रही होगी, मैं इस पर लाइट लगा के दिखा देता हूँ कैसे हम इसको पता करते हैं कि ये टूटी हुई है। नजर आ रही है उपाध्याय जी? हाँ दिख रहा है सर। ये देखो आप, इसमें लिक्विड डैमेज होता है, वो फैल जाता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वीडियो के इस स्क्रीन का। और जो ये हम दूसरी स्क्रीन लगा रहे हैं, ये आप देखोगे बिल्कुल फ्रेश स्क्रीन है, इसमें अंदर से कोई लिक्विड डैमेज आपको नजर नहीं आ रहा है, ये फ्रेश नजर आ रही है। तो ये हम स्क्रीन लगाते हैं। इसमें कैसे स्क्रीन लगाते हैं वो आपको बताइए। इसमें पूरा लैपटॉप खोलना पड़ता है और ये हम कनेक्टर लगा देते हैं। पे लगाओ तब हमें स्क्रीन तो कभी भी चेंज नहीं करनी चाहिए। क्या होता है जब हम केबल लगाते हैं तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे केबल हो जाती है, वो स्क्रीन के खराब होने का चांस बन जाता है, शॉर्टिंग टाइप हो जाती है स्क्रीन में। तो आप कभी भी मत लगाएं, इस चीज का ध्यान रखें कि बैटरी हटी हो तभी हम स्क्रीन को खोलें या स्क्रीन को दूसरे उसमें पैक करें, कभी भी नहीं लगाना चाहिए। हम आपको बहुत स्ट्रिक्टली मना करेंगे इस चीज के लिए। हम इसको पैक कर रहे हैं। ये लास्ट फिटिंग चल रही है, बेस हमने इसका लगा रहे हैं। ये भी टूटते हैं, जो साइड के दोनों बेस के स्क्रू होते हैं वो भी हमें समय समय पर टाइट कराते रहना चाहिए। देखो मैं, हमारा लैपटॉप बिल्कुल रेडी हो गया है परफेक्ट। शुरू में क्या कंडीशन थी, अभी क्या कंडीशन है, स्क्रीन चेंज हुई है प्लस इसकी बॉडी रिपेयर हुई है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन ना टूटे इसके लिए आपको हिंच टाइम टाइम पर टाइट कराते रहने चाहिए। थोड़ा सा भी आपको मूवमेंट में कुछ भी ऐसा लगे कि भाई ये लूज हो रहा है या टाइट हो रहा है, तो आप जल्दी शुरू जाते ही लैपटॉप अपना ये हिंच वाली प्रॉब्लम चेक करा लें। धन्यवाद।